अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम अकार की तरफ से इस लेक्चर में ट्यूटोरियल में ये बताऊंगा कि अगर आपका लैपटॉप चोरी हो जाए, वॉलेट में सिंक ना हो रहा हो, कुछ भी मसला हो सकता है, अगर कुछ भी आगे पीछे हो तो रीइंस्टॉल कैसे करते हैं, रिकवर कैसे करते हैं अपना टैनअप वॉलेट। ठीक है, तो टैनअप वॉलेट का बैकअप अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको पता है डायरेक्ट्री में कैसे जाते हैं, टूल्स में गए, शो ऑटोमेटिक बैकअप्स में गए, ये इसका डायरेक्टरी खुल गई, एक फोल्डर पीछे गए तो यहाँ पे आपका वॉलेट डॉट डेट, ये और अगर मास्टर नोट लगा हुआ है तो मास्टर नोट की कौन फाइल, ये दोनों सेव होनी चाहिए आपके पास, ये दोनों हैं तो आप अपना वॉलेट रिकवर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे, आपके अपना वॉलेट बंद कर देंगे, ये इस तरीके से डायरेक्टरी में आके ना वॉलेट बंद कर देना। मैंने अभी नहीं किया क्योंकि मुझे मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन बताने के लिए, इस वीडियो के लिए, वीडियो के पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि वॉलेट बंद कर देना है या क्रॉस करके। ठीक है, और फिर क्या करना है, एक फोल्डर पीछे आना है, ये जो टेनअप के डायरेक्टरी ना, इसमें एक फोल्डर पीछे आना है, तो यहाँ टेनअप का आपका ये फोल्डर होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपने डिलीट कर देना है, मैंने तो नहीं करना क्योंकि मेरा तो अभी सही चल रहा है सब कुछ, तो ये मैं डिलीट कर दूंगा। फिर मैं ये विंडो बंद कर दूंगा, विंडो बंद करने के बाद जो है टेनअप की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से वॉलेट डाउनलोड करूंगा जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, और उसको सिंक होने दूंगा। नॉर्मली वो पूरा पहले सिंक हो जाएगा, 5 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना तेज है। ठीक है, और एक मरतबा फिर जब सिंक हो जाए तो बिल्कुल नया वॉलेट हो जाएगा वो। ठीक है, उसमें आपके कॉइन नहीं होंगे। कॉइन लाने के लिए आपने क्या करना होगा, डायरेक्टरी में दोबारा जाना होगा, वही टूल्स पे क्लिक करके, शो ऑटोमेटिक बैकअप पे क्लिक करके, यहाँ पे आप एक फोल्डर पीछे जाओ। अब आपके पास जो पुरानी आपकी डेट फाइल है ना, ये वाली डेट फाइल और आपकी ये मास्टर नोड कॉन्फ, अगर मास्टर नोड इंस्टॉल हुए तो ये फाइल कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये दोनों फाइल है। ठीक है, ये याद रखना है कि जब आप इसको रिप्लेस करो, मतलब पुरानी बैकअप रखा हुआ आपने, तो जब आप उसको यहाँ पे पेस्ट करो ना, तो उसका नाम ये होना चाहिए, देखो ये इसका नाम है वॉलेट डॉट डैट, तो उसका नाम ये रखना, तो वो जो पुराना वाला बेसिकली बैकअप होगा ना, वो इस वाली फाइल को रिप्लेस कर देगा। फिर आप इसको विंडो को बंद कर देना और अपना वॉलेट रीस्टार्ट कर लेना, वॉलेट रीस्टार्ट करोगे तो आपके कॉइन जो है वो रिकवर हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है वो अपना वॉलेट टेन अप का रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और तरीका जो इसकी बेसिकली डायरेक्टरी है उसमें जाने का ये है कि आप माई कंप्यूटर में गए, दिस पीसी माई कंप्यूटर जो भी आपके पास है, विंडोज में गए, मतलब सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में जाने के बाद यूजर्स, यूजर्स में आपका जो आपका यूजर है मेन वो, उसके बाद एप डेटा, उसके बाद रोमिंग, रोमिंग में आपका फोल्डर पड़ा हुआ है टेन अप का, बेसिकली ये वो प्रोग्राम है जो आपने इंस्टॉल किए हुए अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो और इसी तरीके से एक्सेस करके अपना वॉलेट डॉट डेट और मास्टर नोट की फाइल दोनों कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली इससे आपको पता चल गया होगा किस तरीके से अपना मास्टर नोट जो है वो रिकवर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।